वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज है 21 जनवरी और हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की स्टडी करेंगे। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह याद कर लें क्योंकि ये आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी डब्ल्यूटीए अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की महिला एसले बार्टी ने। इन्होंने पहली बार घरेलू सरजमी पर खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की है? तो ये की है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आरिफ मोहम्मद खान को। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय जनता पार्टी का 14वें राष्ट्र अध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जेपी नड्डा को। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में कौन सा वायरस फैला हुआ है? तो ये वायरस है कोरोना नाम का एक वायरस हाल ही में अभी चीन में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये मिसाइल का नाम है के फोर। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन पहले नंबर पर है? तो ये पहले नंबर पर है विराट कोहली और दूसरे नंबर पर हैं रोहित शर्मा। इसका आंसर है ए। ये थे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।